पर्वत, कभी जब आग के शोलों का क्रोध नर्म हुआ तो ईश्वर ने इसे पर्वत का रूप देकर जग की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। ये पर्वत हमेशा सबको फायदा पहुंचाता रहा है। कभी जब धरती की धड़कन जोर से धड़कती तो ये पर्वत अपने बोझ से उसे खामोश करता। कभी जब इंसान के पेट में भूख के शोले उबलते तो ये अपना सीना चीर कर उसकी भूख को ठंडा करता। हम इंसान भी कितने अजीब प्राणी हैं, प्रकृति को नष्ट करके अपना जीवन संवारने की कोशिश में लगे हैं। क्या इस दुनिया में पर्वत का सीना चाक कर ही पेट भरना दुनिया भरना भरने का वाहिद जरिया है? उस पर्वत का सीना चाक करने में हम लगे हैं जो हमें अपनी रूह से मिलाता है, महसूस कराता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है। सोचिए, कहीं पर्वत ना होंगे, कहीं दरख्त ना होंगे, कहीं संग से फूटते चश्मे ना होंगे, लगेगा फिर आपने प्रकृति के सर से आंचल उतार दिया हो। अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति के सर पर आंचल बना रहे तो इन पहाड़ों का सीना चाक ना करे, इन दरख्तों को ना काटे, इस सर सब्जो शादाब दरख्त का कत्ल ना करे। प्रकृति आपकी अमानत है, आप इसकी हिफाजत करें। नो टू प्लास्टिक, सेव अर्थ, #ग्रेटा थनबर्ग।